फिशिंग विलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेस्ट्रेस एस्टूरियस स्पेन का भ्रमण करेंगे। लेस्ट्रेस एस्टूरियस की रियासत के पूर्वी तट के गहनों में से एक है। यह कोलुंगा नगर पालिका से संबंधित एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव है, जो अपनी खड़ी ढलानों और संकरी गलियों के लिए खड़ा है, जो उत्तरी स्पेन के मछली पकड़ने वाले शहरों का बहुत प्रतिनिधि है। एस्टूरियस की रियासत के पूर्वी भाग में स्थित लेस्ट्रेस गांव को 2010 से आधिकारिक तौर पर एक कलात्मक ऐतिहासिक साइट नामित किया गया है और प्रिंस ऑफ एस्टूरियस द्वारा इसकी प्राकृतिक सेटिंग और ऐतिहासिक मूल्य के लिए अनुकरणीय टाउन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे प्रसिद्ध स्थान मछली पकड़ने का बंदरगाह है, जहां सैकड़ों छोटी रंगीन नावें रेत में डूबी हुई हैं और दो प्रभावशाली तोपें खाड़ी के ऊपर दिखती हैं। शांत पारदर्शी पानी की एक खाड़ी, जिसे आप पसंद करेंगे। शांति और शांति की भावना, जो आपको खुद को तरोताजा करने और रेत से शहर के पुराने जिले का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करती है। हमें यकीन है कि फिशिंग विलेज शब्द ने इसे दूर कर दिया है, लेकिन हाँ, लेस्ट्रेस के पास एक बंदरगाह है, जिसे आप देख सकते हैं। आप स्थानीय मछुआरे को उनके दिन की पकड़ में लाते हुए देख सकते हैं और मछली पकड़ने वाली नौकाओं और सेलबोट्स की प्रशंसा कर सकते हैं। फिर एस्टूरियन व्यंजनों की विभिन्न शैलियों में तैयार किए गए उस काल्पनिक ताजे समुद्री भोजन में से कुछ के लिए स्थानीय रेस्तरां में जाएं। इस एस्टूरियन मछली पकड़ने वाले गांव के छोटे आकार के कारण लेस्ट्रेस की आपकी यात्रा में एक दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। पहाड़ों में बिखरे हुए दिखाई देने वाले महलों में सैन रोके के चैपल या पास के एस्टूरियस के जुरासिक संग्रहालय जैसे आकर्षण शामिल हैं। क्षेत्र में बसे विशाल जानवरों के जीवाश्म अवशेषों को देखने के लिए एक दिलचस्प जगह। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो देखें।